छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से ठगी का मामला प्रकाश में आया है। गैस एजेंसी देने के नाम पर 10 लाख की ठगी हुई है। अब ठगी करने वाले आरोपी को फरसगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्यवसायी ने आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपी मोबाइल धारक द्वारा ऑनलाइन माध्यम से कुटरचित फर्जी दस्तावेज दिखाकर एलपीजी गैस वितरक डीलरशिप देने के नाम पर अलग अलग बैंक अकाउंट नंबर में लगभग 10 लाख रुपए जमा करवा कर उसके साथ ठगी किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना फरसगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण के आरोपी पता तलाशी के दौरान आरोपीगढ़ का संबंध बिहार राज्य के जिला नालंदा क्षेत्र में ज्ञात होने पर फरसगांव पुलिस एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा के पर्यवेक्षण में 10 सदस्यीय विशेष टीम गठित कर प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की पतासाजी के लिए बिहार व झारखंड रवाना किया गया था। पुलिस की एक टीम बिहार में विशेष टीम ने विभिन्न प्रकार के तकनीक संसाधनों का उपयोग करते हुए सूझबूझ तरीके से घटना में संलिप्त आरोपी गंगा सागर पासवान को बिहार शरीफ में पकड़ा है। आरोपी गंगा सागर पासवान के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से 12 फरवरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया है। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। वहीं कोंडागांव पुलिस को इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। दरअसल एक व्यक्ति जो कि फरसगांव थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथ गैस वितरक डीलरशिप देने के नाम पे 10 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिसमें कूटरचित फर्जी दस्तावेजों का भी उपयोग आरोपियों द्वारा किया गया है, जिस पर से 420 467 68 71 IPC की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसके पश्चात से ही आरोपियों की तलाश के लिए SP महोदय द्वारा टीम गठित की गई और टीमों द्वारा बिहार झारखंड में पतासाजी की जा रही थी। उसके पश्चात एक व्यक्ति जो कि गंगा पासवान आरोपी है इस मामले में, उसको उसके पास से सबूत हमारे पास मिले हैं कि वो भी उसमें सम्मिलित था, उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और अन्य आरोपियों की पता तलाश सभी टीम द्वारा की जा रही है।